एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है आज की हमारे इस न्यू वीडियो में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। गॉड डज सो मच फॉर अस, डू वी एवर थिंक अबाउट इट एंड से थैंक यू टू गॉड। भगवान ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ दिया है, तो क्या हमने कभी इसके बारे में सोचा है और उनको थैंक यू बोला है? तो चलिए, आज की हमारी कहानी का नाम है आर वी ग्रेटफुल टू गॉड, वन ऑफ द पावरफुल स्टोरी। ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी। तो चलिए बिना समय व्यर्थ करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी इस कहानी को। कहानी शुरू होती है एक 60-year-old लेडी के साथ, जिनका फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है, शाइनी आईज होती है, वाइट सिल्की हेयर होते हैं और मीडियम हाइट होती है। इन लेडी को 2 years पहले रिटायरमेंट मिल गया होता है इनके जॉब से। ये जो है एक पोस्ट ऑफिस में क्लर्क की जॉब करती थी, हेड क्लर्क की जॉब करती थी। अपनी जॉब में बहुत ही ईमानदारी से काम करती थी, साथ ही साथ अपनी फैमिली इवन घर की हर एक चीजों को बहुत ही ज्यादा टेक केयर करती थी। इनका एक छोटा सा घर था जिसमें एक छोटा सा गार्डन था जहां ये लोग बहुत ही हैप्पीली रहते थे। इनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपनी लाइफ में सेटल्ड हो जाते हैं। ओल्ड लेडी के नेबर्स इवन सोसाइटी बहुत ही अच्छी होती है। इनके पास कोई भी रीजन नहीं होता सैड होने का, मतलब ये सारे टाइम पे बहुत ही खुश रहती थी। सर्दियों का टाइम था, बहुत सारी स्नो पड़ने के कारण ओल्ड लेडी बीमार हो जाती है, उनको कोल्ड हो जाता है, उनकी नोज जो है वो ब्लॉक हो जाती है जिससे वो सांस ढंग से नहीं ले पाती है। वो मेडिकल यानी कि हॉस्पिटल में कॉल करती है, एम्बुलेंस उन्हें लेने आती है, वो बेहोश हो जाती है। सडनली डॉक्टर्स उनको इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करते हैं, एडमिट करते हैं और उनका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। ओल्ड लेडी जो है बहुत ही गंभीर हालत में होती है, डॉक्टर्स उन्हें ग्लूकोज के थ्रू मेडिसिन देते हैं। कुछ दिनों बाद ओल्ड लेडी ठीक हो जाती है, डॉक्टर्स उन्हें डिस्चार्ज करते हैं और उनको बिल देते हैं। बिल देखते ही जो लेडी होती है वो रोने लग जाती है, डॉक्टर्स को बहुत दया आती है और उससे बोलते हैं कि क्या हुआ माता जी, अगर आप ये बिल इकट्ठा नहीं पे कर सकते तो आप इसे इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं, और अगर आपको हेल्प चाहिए तो हम आपके लिए चैरिटी के लिए भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर फिर से उन्हें पूछते हैं, लेकिन आप रो क्यों रहे हैं, आप ये बताइए। जो यहाँ पर ओल्ड लेडी होती है वो रिप्लाई करती है, मैं यहाँ पर 5 दिनों के लिए एडमिट थी, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ क्या रीजन था, मुझे हुआ क्या था कि जो मुझे यहाँ पर इतने दिनों तक 5 डेज के लिए एडमिट किया गया। डॉक्टर रिप्लाई करते हैं, आप सही से सांस नहीं ले पा रहे थे इसीलिए हमने आपको ऑक्सीजन में रखा था और मेडिकल क्योर किया था। ओल्ड लेडी उनसे बोलती है, बस इतनी सी बात, इसीलिए मेरे को ऑक्सीजन में रखा गया और इसीलिए मुझे हॉस्पिटल में रखा गया। डॉक्टर्स को समझ नहीं आता, वो लेडी से फिर से पूछते हैं कि आप रो क्यों रहे थे। ओल्ड लेडी समझाती है कि 5 दिन की ऑक्सीजन के लिए मेरे को ये बिल मिला है, लेकिन जब से मैं बॉर्न हुई हूँ, जब से मैंने जन्म लिया है, आज तक मैं फ्री में ऑक्सीजन ले रही थी, लेकिन गॉड ने तो मेरे से कोई बिल नहीं मांगा, ना मैंने गॉड को कभी थैंक यू बोला कि गॉड ने हमें इतना कुछ प्रोवाइड किया, इवन उन्होंने हमसे कभी इसके पेमेंट भी नहीं मांगी, और आज जब मुझे 5 दिन के लिए ऑक्सीजन मिला है तो इसके लिए मुझे बिल मिला है। ओल्ड लेडी ये सारी ही बातें डॉक्टर्स को बोल रही होती है। डॉक्टर बहुत ही सरप्राइज होके ओल्ड लेडी की बातें सुन रहे होते हैं। ओल्ड लेडी अपनी बातों को कंटिन्यू करती है और बताती है, हम बचपन से ही, जब से हम बॉर्न हुए हैं तब से हम बाय नेचर एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, लेकिन आज तक तो हमें कोई बिल नहीं मिला, गॉड ने हमें कोई बिल नहीं दिया कि हमें गॉड ने इतना कुछ दिया है, हैप्पीनेस दी है, सक्सेस दिया है, सेटिस्फैक्शन दी है, फैमिली दी है, लव दिया है, लेकिन गॉड ने आज तक हमें कोई भी बिल नहीं मांगा है, गॉड ने हमसे कोई भी बिल नहीं मांगा है, तो क्या हमें गॉड को थैंक यू नहीं बोलना चाहिए? हम लोग अपनी लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि हमें उनके लिए थैंक यू बोलने के लिए भी टाइम नहीं है, तो हम लोग कितने सेल्फिश हैं, हमें गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने हमें इतना कुछ दिया है और बिना कुछ मांगे। यानी कि अब वो डॉक्टर्स को ये सारी बातें बता रही हैं और डॉक्टर्स ये बातें उनकी सुन के बहुत ही सरप्राइज फील हो रहे हैं। इसीलिए हमारे चैप्टर का नाम है आर वी ग्रेटफुल टू गॉड, क्या हमें गॉड का थैंक यू बोलना चाहिए? यस, वी आर ग्रेटफुल टू गॉड, हमें गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि गॉड ने हमसे आज तक कुछ नहीं मांगा है बल्कि हमें बहुत कुछ दिया है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी समझ में आई होगी। इस
कहानी से रिलेटेड वर्कशीट्स आपकी वेबसाइट पर अपलोड हो गई हैं, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।